हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था वायुमंडल, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। वायुमंडल से जुड़े हुए कुछ और प्रॉब्लम्स आते हैं अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स बनाने के क्रम में, उसी से जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूँगा। फिर हम इससे जुड़ा हुआ एक और वीडियो पाएंगे और फिर हम तीन वीडियोज़ के माध्यम से वायुमंडल को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। चलिए इस वीडियो को हम लोग आज पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये आप लोगों को पसंद आता है या नहीं। आइए शुरू करते हैं। ये जो फिगर दिख रहा है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वायु की परतें, यानी जो हमारा वायुमंडल है, उसमें कैसे पृथ्वी के बाहर विभिन्न परतें हैं और सभी परतों की कुछ विशेषताएँ हैं। आज हम लोग उससे अलग चीज़ पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वायु दाब। सबसे पहले याद रखेंगे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वायु दाब। वायु दाब क्या है? तो पृथ्वी पर वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। इसे वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं, ठीक है। एक तरह का ये एयर प्रेशर है, ये वायु द्वारा लगाया गया प्रेशर है। वायु दाब से कई क्वेश्चन उभर करके आते हैं। सबसे पहले यह जो पृथ्वी पर जो वायु द्वारा दाब लगाया जाता है, इसको बैरोमीटर से मापते हैं। ये कई बार ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि वायु दाब का मापन किसके माध्यम से किया जाता है, तो बैरोमीटर के माध्यम से किया जाता है। और इसी बैरोमीटर को कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कि वायु दाब मापी, ठीक है। तो बैरोमीटर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर इसकी ओर आएंगे। ये एक तरह का इस तरह का एक बैरोमीटर होता है, जिसमें 76 सेंटीमीटर या इसको 760 mm के रूप में औसत वायु दाब को देखा जाता है। पृथ्वी पर औसत वायु दाब 76 सेंटीमीटर होता है या फिर 760 mm होता है। ये याद रखना है आपको कि औसत क्या होता है, तो 76 होता है। अब यहाँ से तीन क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी यह वायु दाब बढ़ जाएगा, कभी यह वायु दाब घट जाएगा। तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप यहाँ ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलते हैं। अब ये वायु दाब का प्रेशर बढ़ने और घटने से क्या समझते हैं? किसी भी क्षेत्र में वायु की मात्रा का बढ़ जाना वायु दाब को बढ़ाएगा और किसी भी क्षेत्र में इसकी मात्रा का घट जाना वायु दाब को कम कर देगा। तो आइए इससे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से तीन क्वेश्चन बनते हैं। जब वायु दाब का मान बैरोमीटर में बढ़ेगा, यानी वहाँ वायु की मात्रा बढ़ेगी, और एक आप सिंपल सा समझेंगे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, पवन। पवन क्या होता है? जहाँ भी वायु दाब अधिक होता है, वहाँ से हवाएं कम की ओर जब चलती हैं, तो इसी को हम लोग पवन कहते हैं। इसी चीज़ को हमको यहाँ समझना है कि बैरोमीटर में जैसे ही वायु दाब का मान बढ़ता है, तो यानी उस क्षेत्र में चलने वाली पवन समाप्त हो जाती है, और पवन समाप्त होता है तो वहाँ मौसम साफ हो जाता है। मौसम कैसा हो जाता है? साफ हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि बैरोमीटर में वायु दाब का मान बढ़ने से क्या होगा? मौसम साफ हो जाएगा। दूसरा, यदि बैरोमीटर में धीरे धीरे यदि धीरे धीरे जो बैरोमीटर का माप है वह नीचे आता है तो क्या होगा? तो जैसे ही धीरे धीरे नीचे आएगा तो वायु दाब का मान कम होगा, धीरे धीरे हवाएं इस क्षेत्र में आएंगी दूसरे क्षेत्र से, बादल लेके आएंगी और वर्षा होना शुरू होगा। तो क्या होगा? जैसे धीरे धीरे कम होगा तो कौन सी स्थिति बनेगी? वर्षा की स्थिति बनेगी। और तीसरा आता है कि यदि अचानक तेजी से कम होगी, यानी तेजी से अगर माइनस में जाएगा वायु दाब का मान, यानी 76 से कम होगा तेजी से, तो आंधी तूफान के साथ वर्षा होगी। क्या होगी? आंधी तूफान के साथ वर्षा होगी। ये क्वेश्चन बनेगा। तो तीन क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद कर लेना है। ये आंधी तूफान के साथ वर्षा होने का क्या मतलब है? देखिए, वायु में एक विशेष गुण होता है कि वह किसी भी क्षेत्र के कम वायु दाब को जल्द से जल्द भरने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में जैसे ही यहाँ पर बहुत कम हो जाएगा,
तेजी से दूसरे क्षेत्र से वायु इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और आंधी आएंगी और इसी आंधी तूफान को संकेत करता है बैरोमीटर में पारे का नीचे गिर जाना। तो बैरोमीटर में आपको चार क्वेश्चन बनेंगे, औसत मान क्या होता है 76 मीटर, ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ होगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा आएगी और तेजी से अगर नीचे आता है तो आंधी और तूफान की स्थिति बनेगी। और बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं, तो वह बैरोमीटर से हम वायु दाब को मापते हैं। अब आइए, क्या पृथ्वी पर सभी जगह वायु दाब एक समान है? बिल्कुल नहीं है। यह पृथ्वी के घूर्णन और विभिन्न क्रियाओं के कारण यह अलग अलग होता है। वही हम देखेंगे, यह पृथ्वी का हमने नमूना लिया है और पृथ्वी पर विभिन्न अक्षांशों को हमने इससे दर्शाया है और यह देखने का प्रयास करेंगे कि इन अक्षांशों पर वायु दाब का मान क्या होता है। अब चूंकि हम अभी पढ़े हैं कि उच्च क्षेत्र से यानी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलेंगी, तो पूरे पृथ्वी पर जो पवन का चलने की प्रक्रिया है, पवन के गति करने की प्रक्रिया है, ये इन्हीं दाबों पर निर्भर करता है। तो उसी को हम लोग इसमें समझेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं, यह जो ग्लोब है, इस ग्लोब के केंद्र में एक विषुवत रेखा होती है जिसको हम लोग 0 डिग्री कहते हैं। इस 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे यह क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र होता है। यह क्या होता है? निम्न दाब क्षेत्र होता है। यहाँ पर दाब बहुत कम होता है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पर क्यों ऐसा होता है? इसका कारण होता है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो सबसे तेज गति यही होती है और सबसे धीमी गति ध्रुवों पर होगी। याद हो जाएगा कि दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे कम होती है और सबसे तीव्र गति कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर। तो तीव्र गति के कारण यहाँ एक अपकेंद्रिक बल काम करता है और यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं और यह क्षेत्र निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। क्या बन जाता है? निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। इसके अलावा यहाँ टेम्परेचर अधिक होने से भी हवाएं गर्म होकर के ऊपर जाती हैं और निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि यह जो विषुवतीय क्षेत्र होता है, जो 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 10 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच का क्षेत्र होता है, वह निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है और इसे ज्योग्राफी में शांत कटिबंध, कटिबंध जून, या फिर इसे डोलड्रम, क्या कहा जाता है दोस्तों? डोलड्रम कहा जाता है। इसे शांत कटिबंध या डोलड्रम कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि डोलड्रम का क्षेत्र कौन है। तो 0 डिग्री विषुवत रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का क्षेत्र क्या कहलाता है? डोलड्रम कहलाता है। कई बार एग्जाम में 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ ऑप्शन में दिया रहता है। तो अगर ये 10 वाला ऑप्शन नहीं होगा तो 5 वाला भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निम्न होगा। अब देखिए, इस ग्लोब चैप्टर को अगर आपने पढ़ा होगा मेरे, तो इसको समझना बहुत आसान है। ऊपर की ओर भी अक्षांश बढ़ते हुए टोटल 90 होते हैं और नीचे की ओर बढ़ते हुए भी 90, तो दोनों तरफ हम लोगों को सेम याद करना है। एक मिलेगा उपोष्ण उच्च, फिर मिलेगा उपध्रुवीय निम्न और फिर मिलेगा ध्रुवीय उच्च, फिर यहाँ मिलेगा उपोष्ण उच्च, उपध्रुवीय निम्न और फिर ध्रुवीय उच्च। इसका मान को हम लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब यहाँ से हवाएं ऊपर उठी इस क्षेत्र से, तो फिर यह 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच जाकर के हवाएं नीचे उतरती हैं दोनों ओर। तो यहाँ पर जब निम्न दाब क्षेत्र था तो ये क्षेत्र उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। जहाँ पर ये हवाएं नीचे उतरती हैं वह क्षेत्र कैसा बन जाता है? उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। तो उत्तरी अक्षांशों में देखें तो 23.5 से लेकर के 35 डिग्री के बीच उच्च वायु दाब क्षेत्र बनता है और सेम दक्षिणी अक्षांशों में भी देखें तो 23.5 से लेकर के 35 डिग्री के बीच उच्च बनता है।
इसी उच्च से एक क्वेश्चन आता है कि यह जो 30 से 35 डिग्री का अक्षांश रेखा होता है, इस 30 से 35 डिग्री अक्षांश रेखा को अश्व अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, अश्व अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। कितना डिग्री? 30 से 35 डिग्री। ठीक है, अब आइए यहाँ पे। यहाँ जब उच्च बनता है तो फिर उसके बाद निम्न बनेगा। ये हम लोग अल्टरनेट में याद कर सकते हैं, निम्न उच्च फिर निम्न और फिर उच्च। नीचे भी आएंगे, निम्न उच्च निम्न और फिर से उच्च। अब नाम याद करना है तो इसको विषुवतीय निम्न, इसको उपोष्ण उच्च, इसको उपध्रुवीय और इसको ध्रुवीय। तो चूंकि ध्रुव के साथ सटा हुआ है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? उपध्रुवीय। यह उपध्रुवीय क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र होता है और जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है यह 80 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है और इसे हम लोग उच्च दाब क्षेत्र बोलते हैं। इसका कारण ये है कि यह ध्रुवीय क्षेत्र सबसे कम घूर्णन करता है और यहाँ सबसे ठंडा प्रदेश होता है, और जो प्रदेश सबसे ठंडे होते हैं वहाँ हवाएं गर्म नहीं होती हैं और ऊपर न जा कर के नीचे ही रहती है। इसके कारण दोनों ध्रुव क्षेत्र जो होते हैं वो उच्च दाब क्षेत्र हुआ थे। ठीक है, और उस ध्रुव के बगल में लगभग 65 डिग्री, जो 45 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री के बीच होता है दोनों तरफ, वो दो क्षेत्र जो होता है वह निम्न दाब क्षेत्र होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम लोग इतना क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके आने वाले जो चैप्टर्स हैं, जहाँ हम लोग पवन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे पवन गति करता है। अब देखिए यहाँ पे उन चैप्टर को समझने के लिए तो पढ़ ही रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि चूंकि यह निम्न दाब क्षेत्र है और यहाँ उच्च दाब क्षेत्र है, तो जैसे ही ऊपर से आकर के हवाएं यहाँ नीचे उतरेंगी तो यहाँ से हवाएं इस तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी और इस तरफ से हवाएं इस तरफ से बढ़ेंगी। तो जहाँ भी उच्च है और जहाँ निम्न है, उच्च से हवाएं निम्न की ओर चलेंगी। एकदम बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि उच्च की ओर से हवाएं कहाँ चलेंगी? निम्न की ओर चलेंगी। और भारत में जब हम लोग पढ़ेंगे कि मानसून के प्रवेश, मानसून का आगमन, उस समय भी इन सिद्धांतों को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जब पढ़ेंगे पवन के प्रकार, उसमें भी इस चीज़ को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आप याद कर लें कि विषुवतीय क्षेत्र में निम्न, उपोष्ण क्षेत्र में उच्च, और उपध्रुवीय क्षेत्र में निम्न और ध्रुवीय क्षेत्र में उच्च। सेम नीचे आ जाएंगे, विषुवतीय क्षेत्र में निम्न, उपोष्ण क्षेत्र में उच्च, उपध्रुवीय क्षेत्र में निम्न और ध्रुवीय क्षेत्र में उच्च। अल्टरनेट करके याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके मान को भी आसानी से याद कर सकते हैं। अगर एक तरफ के आप याद कर लेते हैं तो दोनों तरफ के याद हो जाएंगे। 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच निम्न होगा, उसके बाद 23.5 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के बीच उच्च होगा, फिर उसके बाद 45 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच निम्न होगा, और फिर 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच उच्च होगा। अब यह जो एक तरफ है यही दूसरे तरफ हो जाएगा, तो बड़े ही आसानी से हम इसको याद कर पाएंगे। अब ये जो वायु दाब हो रहे हैं, यह वायु दाब कैसे बनता है? तो जो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा कि जहाँ पर वायु की मात्रा अधिक होगी वहाँ वायु दाब अधिक होगा, और यह मात्रा कैसे डिसाइड होता है? तो यह डिसाइड होता है ताप से। अगर किसी क्षेत्र में तापमान अधिक हो जाएगा तो हवाएं गर्म हो जाएंगी और गर्म होकर के ऊपर चली जाएंगी, तो वहाँ वायु की मात्रा कम हो जाएगी, और जहाँ भी तापमान कम होगा वहाँ हवाएं नीचे उतरेंगी और हवा नीचे उतर करके जमी रहेंगी, और इस तरह से उस क्षेत्र में वायु दाब का मान अधिक हो जाएगा। तो वायु दाब के मान को भी निर्धारित करने में ताप का बड़ा योगदान होता है। और इससे भी एक दो क्वेश्चन पूछ देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? तो समताप रेखा कहते हैं। जैसे हमने समान वायु दाब को मिलाया था, वैसे ही समान टेम्परेचर को मिलाना है। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री है, यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री है और यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो इस
तीनों 10 वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहेंगे। क्या बोलेंगे? समताप रेखा। और समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा को समबार रेखा यानी समदाब रेखा कहेंगे। ठीक है। अब इसके अलावा तापमान से एक क्वेश्चन और आ जाता है, तापांतर। यहां से ऑब्जेक्टिव कम पूछते हैं, समझने का चीज है। तापांतर किसे कहते हैं? तो तापांतर दो प्रकार के होते हैं, एक दैनिक और एक वार्षिक। दैनिक तापांतर क्या होता है दोस्तों? दैनिक तापांतर का मतलब है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर और दिन का लोएस्ट टेम्परेचर के बीच का अंतर। उदाहरण के लिए कि अगर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री रहा और मिनिमम टेम्परेचर 30 डिग्री रहा तो दोनों के बीच का अंतर 10 डिग्री यानी आज का तापांतर 10 डिग्री रहा। लेकिन जब वार्षिक तापांतर निकालते हैं तो उसमें अंतर आ जाता है। वार्षिक तापांतर में क्या करते हैं हम लोग? वर्ष का सबसे गर्म महीना यानी गर्म माह और वर्ष का सबसे ठंडा माह, ये दोनों को माह के औसत औसत ताप के अंतर को हम लोग निकालते हैं तो कहलाता है वार्षिक तापांतर। जैसे सबसे गर्म माह में काउंट होता है जुलाई और सबसे ठंडा माह में काउंट होता है जनवरी। और इस दोनों के ताप के औसत मान का जब हम अंतर निकालते हैं तो वह वार्षिक तापांतर निकलता है। तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स बहुत कम आएंगे, लेकिन इस चैप्टर को समझ के रखिएगा तो जल्द ही हम जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे वहाँ पे आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा, जिसमें हम लोग पवन पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप इस संबंध में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। थैंक यू।